व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज 15C। और एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 तक पढ़ लिया है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन 19, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड बेस इज रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर शेप है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल बना दिया, ये है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि एक कोन शेप का, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। विथ हाइट, हाइट दी गई 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो बेस दिया गया है वो है, मतलब रेडियस दिया गया वो है 6 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ सेम हाइट एंड बेस इज रिमूव्ड। अब सेम हाइट और सेम बेस का जो हमारे पास क्या है, कोन है, वो इससे हटा दिया गया, मतलब हमारे पास जो कोन होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब यहां से इस शेप से, मतलब सिलेंडर से, हमारे पास क्या हो रहा है, कोन को हटा दिया जा रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है जब हमने इस कोन को हटा दिया, इतना पार्ट हटा दिया, तो बताओ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जितना सॉलिड बचा उसका हमें वॉल्यूम बता दो। समझ गए, आ गया, बहुत सिंपल है। देखो इतना पार्ट इससे निकाल दिया गया, अब जितना पार्ट इससे निकाल दिया गया उसके बाद जो पार्ट बचा, ये पार्ट बच रहा, इस पार्ट का क्या पूछ रहा क्वेश्चन, इस पार्ट का वॉल्यूम पूछ रहा, बस और कुछ भी नहीं। मतलब इस पूरे में से, इस सॉलिड सिलेंडर में से ये हमारा वॉल्यूम निकाल दिया गया है, सॉरी कोन निकाल दिया गया है, उसके बाद जो स्पेस बच रहा है उसका पूछा गया है वॉल्यूम, यही क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से अगर हमें ये वाला वॉल्यूम चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, अब कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और हमें दी गई है रेडियस। देखो हाइट और जो रेडियस है वो कोन की भी सेम है और सिलेंडर की भी सेम है, ठीक है, कोन और सिलेंडर की दोनों की सेम है। तो रेडियस है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, हमें बताना रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग यहां पर हो जाएगा पार्ट, ठीक है, या फिर पार्ट बोल दो या फिर सॉलिड बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, रिमेनिंग सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ किससे, कोन से, ऑफ द कोन, ठीक, समझ में आ गया। कैसे करना है ये समझ में आ गया। देखो क्या करना था कि इस पूरे सिलेंडर में से कोन हटा दिया गया, फिर जब कोन शेप हटा दिया गया तो पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम बचेगा इसको हटाने के बाद, रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे कोन का वॉल्यूम, जब पूरे में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, सिंपल है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr²h कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 और ये होता है πr²h हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, कुछ क्या, हमें सब कुछ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पाई 1/3 है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr²h माइनस ये हो जाएगा πr²h इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा 2πr²h बाई ये हो गया 3, ठीक। ये अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने 2/3 कर दिया इंटू पाई है, पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है यहाँ पर, 3.14 जो क्वेश्चन ने कहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3.14, ठीक है, इंटू आर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पर हो गया 10, बस। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ लिखा 2/3 इंटू, पॉइंट हटा देंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 3.14 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 100, और यहाँ पर होगा 6 × 6, 6×6 = 36, और यहाँ हो गया इंटू यहाँ पर 10, 0 से 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर है तो 2 से करो 2, 5 जा चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 3.14 इंटू, बच रहा हमारे पास 12 और यहाँ पर आ गया 5। अब 3.14 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3768, यहाँ पर डिवाइड में 5,
तो यहाँ से 5 से कर दो भैया, 7 5 जो 35 और 5 5 जो 25, 5 3 जब 15, पॉइंट लगा दिया 6 0 30, ठीक है। यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया क्यूब। देखो यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आ गया हमारे पास, 753, और यहाँ पॉइंट आ गया 6, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया क्यूब, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। अब आते हैं क्वेश्चन 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 ना, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सरसाइज इसके बी में भी किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लेना, फिर ये अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन 20 कह रहा है, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, मतलब 10 मीटर बह रहा है, कितने एक मिनट में निकल रहा है पानी बह रहा है। आगे कह रहा है, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक पाइप से बह रहा है, और 5 mm इन डायमीटर, जो पाइप है ना उसकी डायमीटर दी गई है 5 mm, मतलब कि ये पाइप है हमारा, ठीक है, हमने ये पाइप बना दिया। अब इस पाइप से पानी निकल रहा है 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से बह रहा, और इसकी जो डायमीटर दी गई है वो दी गई है 5 mm दे दी गई, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये है हमारा पानी, पाइप का पानी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द सरफेस एरिया हुज डायमीटर एट द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डीप 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक क्या है, कॉनिकल वेसल है, मतलब कुछ ये है, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इससे अगर 10 मीटर पानी पर मिनट में निकल रहा है, ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm है, तो भैया इसमें जब पानी भरा जाएगा इससे, तो ये बताओ ये कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास कॉनिकल वेसल है ये कितनी देर में भर जाएगा। कह रहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब कितनी देर में भर जाएगा। इसका डीप दी गई, मतलब जो इसकी हाइट दे दी गई है वो है 24, ठीक है, और क्या दे दिया गया, इसका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये क्या है डायमीटर, ये डायमीटर हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास पाइप है, उस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से निकल रहा है, और उस पाइप का जो हमारे पास फेस है, मतलब ये इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। अब इस पाइप से पानी निकल रहा है और इस कॉनिकल वेसल में भर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी जो हाइट है वो 24 है, पूछ नहीं रहा, ये बता रहा है, और इसकी जो डायमीटर है वो 40 है, तो बताओ ये कितनी देर में इसमें पानी भर देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे ये समझ लो। सबसे पहले बात किसी कर रहा है, पाइप की, तो हम लोग पाइप में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है डायमीटर, डायमीटर किसका, पाइप का, तो लिखा डायमीटर ऑफ ऑफ ये हो गया पाइप। तो डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, 5 mm दिया है भाई, है ना, 5 mm दिया है, ये डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 5/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2.5 mm आ जाएगा। 2.5 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास mm आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आओ, यहाँ पर देखो mm दिया है, हमें क्या करना है, इसे इसे चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसे चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो भैया सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 डिवाइड में आ जाएगा 10, और नीचे आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, या फिर लिखो 0.25 लिख लो, या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो सेंटीमीटर, 0.25 भी लिख सकते हो और 1/4 भी हम लोग लिख सकते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी रेडियस किसकी, पाइप की, ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है कितने की स्पीड से बह रहा है, 10 मीटर की स्पीड से बह रहा है, 10 मीटर की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पानी बह रहा है, वाटर फ्लो फ्लोइंग पर मिनट, तो भैया कितना है, 10 मीटर के हिसाब से बह रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 से इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्लियर हो गया इतनी बात। अब आते हैं इसके वॉल्यूम में, अगर हम लोग इस पाइप का वॉल्यूम निकालें, देखो वॉल्यूम क्यों निकालें ये समझो। अब ये पाइप है, अब इस पाइप में कितना पानी आ रहा है और कितना पानी आके इसमें जा रहा है, जब हम लोग ये पता करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें पानी कितना भर रहा है और कितनी देर में भर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालते हैं वॉल्यूम, तो जाते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर,
वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो वाटर वॉल्यूम का निकाल लें माँ, ये वाटर किस में है, पाइप में है ना, तो यहाँ लिख देते हैं पाइप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक, क्लियर है। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या होती है भैया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना, तो अभी पाई को हम लोग पाई ही रहते हैं, लिख ही देते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर यहाँ पर रेडियस है 1/4 लिखो, तो 1/4 लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/4 लिखो, या फिर 0.25 भी लिख सकते हो, इंटू एच। अब कहोगे यहाँ पर एच क्या है, हमारे पास एच क्या है, देखो इसको समझना अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो पाइप है, पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से, है ना, तो ये क्या है हमारी, इसकी डिस्टेंस बता रहा ना कि एक मिनट में इतनी डिस्टेंस ये पानी कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, स्पीड को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, तो हाइट हो जाएगी। अगर ये इसकी डिस्टेंस है तो एक मिनट में ये क्या कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतनी डिस्टेंस हाइट भी तो है, तो हाइट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया स्पीड इनटू हो गया ये टाइम, तो हाइट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पाई इंटू लिख दिया 1/4 इंटू 1/4 इंटू कर दिया हाइट की जगह पे एस इंटू टी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो ये क्या है, एस, एस मतलब क्या है, टाइम, टाइम हमारे पास कितना है, ये है वाटर फ्लो पर मिनट, मतलब क्या है, ये हमारा टाइम है, टाइम कितना है, 1000 है हमारे पास टाइम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पाई इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू स्पीड इंटू टाइम। एक मिनट देखो ये क्लियर करो, ये हमारा टाइम नहीं है, ये हमारा क्या, स्पीड है, ठीक है, क्योंकि 10 मीटर बह रहा था किसकी, पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट में क्या जा रहा है, ये बह रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्पीड है, तो हम लोग यहाँ पर स्पीड लिखेंगे ना कि टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी हो गई, 10,000 हो गई, ठीक है, इंटू क्या है, टाइम, तो हमने यहाँ पर कर दिया टी, ठीक है। अब इसे कैंसिल करना चाहो तो करो, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और 2 से कर दो सीधे तो 2 2 जा चला जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 2 से 500, 4 से कर दो तो 125, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई इंटू आ गया 125/2 इंटू आ गया हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया, ठीक है, पाइप कर देते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसमें, जो हमारे पास क्या है, कॉनिकल वेसल है। अब ये ना, इसकी हाइट क्या है, ये है, और इसकी डायमीटर है ये, इसकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ये कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 इंटू हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा एच इक्वल्स टू, ये हो गया 1/3 इंटू लिख दिया पाई इंटू यहाँ पर क्या है आर, रेडियस इसकी कितनी है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है 40, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 20 स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हाइट, तो हाइट यहाँ पर कितनी दी गई, 24, तो यहाँ पर हमने कर दिया 24, 3 से करेंगे 3 8 24 चला गया कैंसिल, यहाँ पर बच रहा हमारे पास पाई इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास बचा, ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वेजल लिख देते हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हो, यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाल लिया इस कोन की, ठीक है, और हमने वॉल्यूम निकाल लिया किसकी, इस पाइप की, हमें क्या चाहिए थे, इसकी टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑफ कोन, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इन दोनों को हमें आपस में डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पाइप हमारे पास गिवन है वो कितना दिया है, वो दिया है पाई इंटू दिया है 125/2 इंटू दिया है टाइम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो कोन है अभी हमने फाइंड किया है वो है पाई, पाई लिख दिया इंटू है 20 इंटू है 20 इंटू है 8, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या है, ये टी है, टी यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू यहाँ पर बचा 20 इंटू बच रहा है यहाँ पर 20 इंटू है 8, अब देखो 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर भेज दिए तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 125 क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में।
हमने 5 से किया, 5 4 जा, ठीक है ये 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 25। फिर से किया 5 से, 5 4 जा, और यहाँ पर हमने 5 से किया तो 5 5 जा, ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है ये 4 × 4 4 4 जा 16, हमने टी लिखा है यहाँ पर, 16 × 8 2 जा क्या है 60, तो यहाँ पर 16 डिवाइड में क्या गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है ये हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को इसे कैंसिल कर देंगे, तो इसे डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 3 15 और 2 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3.2। अब 3.2 हम लोग 16 करेंगे तो आ जाएगा 51.2, ठीक है हमें क्या बताना था टाइम, तो टाइम हमारा कितना निकल गया 51.2 और ये हो गया मिनट, ठीक है मिनट। अब किसी को टाइम बताना है, देखो यहां तक कर दोगे आंसर बिल्कुल सही, कोई भी काटेगा नहीं, पूरे नंबर इसमें आपको मिलेंगे। अब मगर यहां पर हमारा क्या सलूशन पूरा हो जाता है, देखो अगर कर दोगे यहां तक तो भी ठीक है, नहीं आगे करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग कभी ये तो बताते नहीं कि हमारा जो टाइम हो रहा है वो 51.2 मिनट हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं, तो हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करें। देखो ये 51 तो हो गया हमारा मिनट, ठीक है क्या हो गया मिनट हो गया। अब 0.2 क्या हमारा सेकंड हो जाएगा, नहीं होगा सेकंड, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास देखो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है अब हमारे पास क्या है 0.2 मिनट है, 0.2 मिनट है ना ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 × 0.2, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 12 हमारे पास सेकंड, ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 51 मिनट आया है हमारे पास, ठीक है और यहाँ पर है हमारे पास 12 सेकंड, बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन 21, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। फर्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इनटू द टेंट ऑफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज occupy 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया, एक क्लॉथ है वो एक एरिया ले रहा, मतलब क्या रहा है कि एक हमारे पास टेंट है, ये हमने टेंट बना दिया, ठीक है अब इस टेंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि कपड़े से ही टेंट बनता है, तो जो कपड़ा चाहिए है और जिस कपड़े से ये टेंट बना है उस कपड़े का एरिया दिया हुआ है 165 मीटर, ठीक है जो यहां पर पड़ता है ना वो दिया है 165 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो टेंट है ना उसकी जो रेडियस है वो है 5 मीटर, मतलब इसकी जो रेडियस है वो है 5 मीटर है और यहाँ पर टेंट दिया हुआ है, टेंट का कपड़ा दिया हुआ है वो है 165। अब अच्छा ये बताओ कि ये 165 हमारा क्या है, हमारा देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ये कपड़े का एरिया है, मगर अगर ध्यान से तुम इसको देखोगे और समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 165 ये कपड़े का एरिया तो है, साथ में जो ये हमारा टेंट है इस टेंट का हमारा CSA भी है, मतलब कर्व सरफेस एरिया भी है। अब कहोगे कैसे, देखो कपड़ा हमारा इस जगह पे पड़ रहा है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा CSA ही तो होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो गया हमारा CSA, ठीक है समझ में आ गई। अब रेडियस तो हमें पता है 5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको समझो, क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ द स्टूडेंट ऑन द एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। अब कह रहा है कि इस टेंट के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इस टेंट के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट दे रहा है जगह बैठने की 5/7 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया ले रहा है तो यहां पर बताओ कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है बता देंगे, मगर हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास जितने में टेंट बना हुआ है उसकी एरिया क्या है। मान लो हमारा जो टेंट बना हुआ है ठीक है इतने स्पेस में बना, अब इसी स्पेस में तो भैया सब बच्चे बैठेंगे है ना, इस स्पेस में बैठेंगे तो ये कितना स्पेस है ये तो हमें पता नहीं, तो इसको हमें सबसे पहले करना पड़ेगा फाइंड। जब हम लोग ये फाइंड कर लेंगे ना एरिया, इसका एरिया, तभी हम लोग बता पाएंगे कितने स्टूडेंट बैठ पाएंगे इस टेंट के अंदर, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। देखो बैठने के लिए हमें जगह चाहिए, अब हमें ये नहीं क्वेश्चन ने बताया कि कितनी जगह है ना इस टेंट की, नहीं बताया ना, तो हमें ये सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे इसमें आते हैं, तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, रेडियस है हमारे पास 5 मीटर है ठीक है, हमें क्या चाहिए एरिया, एरिया किसी चाहिए बेस की, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ बेस ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पता है क्या होती है 22/7,
तो लिख दिया यहाँ पर 22/7, आर हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 22/7 इंटू 5 हो गया 25। ठीक है, 25 इंटू 22 कर दो, 550 आ जाएगा, तो 550 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 7। ठीक, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया आ गया, मतलब ये पूरी एरिया जितने एरिया में हमारा टेंट बना हुआ है ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक बच्चे को बैठने में लग रहा है इतना जगह, तो बताओ कितने बच्चे बैठेंगे भैया, है ना, कितने बच्चे बैठेंगे। तो हम बता देते हैं कि हमारे पास इस तरह के 10 पेन है, ठीक है, और यहां पर एक पेन की कॉस्ट हमारी आ रही है कितनी, 10 रुपए आ रही है, तो बताओ कि कितने, 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपए हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। मगर यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यहां पर टोटल एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, तो कितने बच्चे बैठेंगे, तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिखा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कर दिया, तो यहां पर हो गया हमारे पास 550/7, ठीक है, और डिवाइड कर दिया यहां पर 5/7। ठीक है, अब देखो इसका इससे हो जाएगा और इससे इससे मल्टीप्लाई, तो 550 इंटू 7 कर दिया और यहाँ पर 7 इंटू 5 कर दिया, 7 से 7 गया, 5 से ये गया, तो बचा 110, तो 110 बच्चे बैठ जाएंगे, तो ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, कितने आ गए, 110 आ गया। ठीक है, और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का हुआ है, मगर सेकेंड पार्ट तो इससे और भी खतरनाक है। फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पर फाइंड करना है इस कोन का, ये जो कोन है ना, ये जो टेंट है ना हमारा, इस टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है ना, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसमें क्या खतरनाक बात है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो भैया वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर h क्या है, कुछ अता पता है इसका, नहीं पता है, अब ये गुमशुदा है यहाँ पर, मतलब है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करने से भी पहले हमें h को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, h, है ना, तो चलो h को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडर रूट होता है, ये होता है l² + r², ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर फिर से कहानी फंस गई कि भैया यहाँ पर l क्या है, हमें तो l भी तो नहीं पता है, तो हम लोग अब h कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, कैसे, क्वेश्चन पे आ जाओ, फ्लैशबैक में, क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा था, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर। अब ये 165 मीटर स्क्वायर अभी तक हमारे सोल्यूशन में यूज हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसी की मदद से हम लोग एल या एच निकालेंगे। ठीक है, तो अब यूज कैसे होगा ये समझो, ये क्या कह रहा है, क्लॉथ की एरिया है, क्लॉथ हमारा कहाँ पड़ रहा था, हमारे कोन के ऊपर, मतलब हमारे टेंट के ऊपर इस जगह पे, ये एरिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो है 165 मीटर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, होता है πr l का, यहाँ 165 कर दिया, पाई होती है हमारे पास 22, बाई होता है 7, आर हमारे पास क्या है, रेडियस है 5, और एल हमें पता नहीं, तो एल ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इक्वल्स टू 165। अब 7 वहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो 7 वहाँ चला जाएगा, तो ये डिवाइड में, तो वहाँ मल्टीप्लाई 165/7 × 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 है, तो 22 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 से अगर करके देखते हैं तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 11 × 3 = और 11 × 2 = ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 3 = 21/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और ये होगा मीटर, समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एल आ गया, एल मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट होती है, किसकी होती है भैया, कोन की होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे पेज में, हमने क्या फाइंड कर लिया, एल फाइंड कर लिया। अब जब हमने एल फाइंड कर लिया है तो इस एल की हेल्प से हम लोग एच निकाल लेंगे, इस एल की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, रेडियस हमें पता ही है, तो हम लोग निकाल लेंगे एच। तो देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा एच इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर, मतलब क्या था, 10.5 का स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर, मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
एक मिनट, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी रुको। यहाँ पर हमें खेल खेलते हैं, नहीं नहीं ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, एल हमें फाइंड करना था, ठीक है सिंपल है, अभी हम वैल्यू हटा देंगे, हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं, सही है। ये देखो फॉर्मूला है, इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने एच इक्वल्स टू, यहाँ पर 10.5 का स्क्वायर क्या होता है, 10.5 × 10.5 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110.25 आ जाएगा, ठीक है, प्लस और 5 का स्क्वायर होता है 25 ना, तो यहाँ पर 25 आ सकता है। यहाँ पर ना हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, नहीं हो गई है, पता है क्या, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल सिलेंट हाइट इक्वल्स टू अंडर रूट होता है एच स्क्वायर माइनस हो जाता है यहाँ पर सॉरी प्लस हो जाता है आर स्क्वायर, ठीक है ये हो जाता है, तो हमने यहाँ पर गलत लिखा है ना, इसलिए अभी तक कमेंट कर दिया होगा, मगर इसको यहाँ पर सही कर लेना, देखो कैसे, अभी देखो समझाते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर हमारा प्लस का यहाँ भेज देंगे तो माइनस होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, तो एल स्क्वायर माइनस हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया एच स्क्वायर, ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पर सही लिखा था, देख सकते हो, मतलब यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था मगर होना चाहिए था माइनस, तो यहाँ पर माइनस जरूर कर लेना, ठीक है, और जो कमेंट किया है उसको भी सही कर लेना भैया, क्योंकि हमने भी सही कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास क्या फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर करना होगा माइनस, समझ गया, ठीक है, और इसको देखो कमेंट अपने सही कर लेना अगर मन हो तो। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 है, 25 माइनस कर दो 110 में से तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, 85/25 आ गया। अब देखो 85/25 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो जब हम लोग इसका निकालेंगे तो हमारे पास 9.23 मीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब कहोगे ये कैसे आया, देखो अगर 9.24 लोगे, 9.24 × 9.24 करोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, 85.3 समथिंग आ जाएगा। अगर हम लोग लेंगे 9.23 × 9.23 तो ये हो जाएगा हमारे पास 85.1 समथिंग आ जाएगा, जो नियर अबाउट होगा हमारे इसके, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 9.25 अप्रॉक्सीमेट इसका ले लेंगे कि मान लेंगे ये हमारा स्क्वायर है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो हमको यहाँ पर h मिल गया। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देना और हमारा आंसर आ जाएगा, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, ही हो गया h, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/3, पाई की वैल्यू तो जानते ही हो क्या होता है, 22/7 होता है, और r मतलब क्या होता है रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर इंटू h, भैया जो हमने अभी निकाला है वो है 9.23, ठीक है, बस इसको ऐसे रहने दो, बस बस अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो 1/3 किया इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 22/7 और इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पर लिख दिया 25 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 9, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 100, तो 25 से इसे कैंसिल करो 4 टाइम चला जाएगा, और इसे हम लोग अब हम लोग करते हैं इसे 2 से कैंसिल, 2 से चला जाएगा, ठीक है, और 2 से 11 चला जाएगा, ठीक है, और 2 से इसे हम लोग करेंगे 2 4 हो जाएगा 8 और 6 2 12 और 2 1 2 2 3 6 3 3 3 2 6 होगा, तो यहाँ पर होगा 6, ठीक है, तो 461.6 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये अभी किसी से कैंसिल नहीं हुआ है तो ये 3 ऐसा ही है, तो यहाँ लिखा 11, ठीक है, इंटू कर दिया यहाँ पर 461.6 डिवाइड में आ गया यहाँ पर 7 3 21, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21, ठीक। अब देखो 11 × 461.6 है ना, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 507.6। अब इससे डिवाइड करना है 21 से, अब देखो 21 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 241.74, ये हो जाएगा मीटर, ये हो गया क्यूब, बस
यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो देखो करना आता होगा, तो खुद से कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम लोग आपका सोल्यूशन मतलब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहीं से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, या फिर इंस्टाग्राम में आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें क्लिक करो, तुरंत हमारी आईडी पेज में आ जाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना।